हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज है बुधवार और अभी जो है सुबह के टाइम हो रहा है 11 बजे। तो अभी मैं लंच बनाने के लिए आई हूँ और आज मैं आप लोगों के स्टाइल का खाना बनाऊंगी। आज मैं भाजी बनाऊंगी, मतलब सब्जी, एकदम सूखी सब्जी बनाऊंगी और दाल बनाऊंगी। दाल आप लोगों के जैसे नहीं है, हम लोगों के जैसे ही बनाऊंगी, पर ये सब्जी भी हम लोगों के जैसा ही बनाऊंगी, पर फिर भी आज अनियन डाल के बनाऊंगी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये जो इधर दाल बॉयल हो रहा है और यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ, इसमें सब्जी बनाऊंगी। तो सबसे पहले जो है ना, मैं पता नहीं थोड़ा उल्टा सीधा हो सकता है ना, जीरा डालूंगी, ठीक है, फिर इसमें डालूंगी अनियन, क्या वो बोन देखने के लिए आ गई, जाओ बोन जाके उधर जाके खेलो, तुम इधर देखो, ऑयल का इधर आएगा तुम्हारे चेहरे पे गिरेगा। ऑयल है ना यहाँ पर, गरम ऑयल है। हाँ तुम जाओ इधर से, तो अनियन को फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर जो है वेजिटेबल्स डाल दूंगी। मैं आप लोगों के साथ खाना बनाते बनाते बात कर रही थी, पर बाद में जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तब देख रही हूँ ना कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने फिर से उसको डिलीट करके मैंने वॉइस ओवर दे रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। तो मैं आप लोगों के, मतलब इधर की जो लोग बनाते हैं ना, एकदम सूखी सब्जी बनाते हैं, वैसे टाइप का ही बनाऊंगी, पर थोड़ा सा अलग स्टाइल में। हाँ, उसमें थोड़ा सा बंगाली टच भी रहेगा, जैसे कि करी पत्ता या फिर वो सरसों, ये सब कुछ मैं छौंक नहीं दी हूँ। मैंने सिर्फ गोभी लिया है, मटर लिया है, टमाटर और आलू और प्याज को फ्राई करने के बाद ये सारे वेजिटेबल्स मैं एक साथ डाल दी हूँ। टमाटर थोड़ा बाद में डालूँगी मैं। तो इसके लिए अभी जो है मसाला रेडी कर रही हूँ। तो मसाला में मैंने वहाँ पर ग्रीन चिली अदरक पेस्ट करके लिया था, उसके अंदर ना मैंने ये लिया है मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और मैंने सब्जी मसाला एवरेस्ट का, और मैंने चिकन करी मसाला लिया है, तो उसके अंदर नमक हल्दी सब एक साथ ही ऐड कर दिया था, मैंने जीरा पाउडर नहीं डाली थी। तो ये सब कुछ एक साथ, थोड़ा सा ही, एकदम थोड़ा सा मसाला डालूंगी, इसीलिए सब एक साथ मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि मुझे क्वांटिटी पता चले और ज़्यादा ना गिर जाए, क्योंकि कढ़ाई में सब्जी रखने के बाद फिर डालना ना, मुझे लगता है ज़्यादा गिर जाते हैं, और मेरे पास इतना ज़्यादा, मतलब डब्बा नहीं है कि जिसमें स्पून से उठा उठा कर दूँ, तो इसीलिए ये सारे मसाला मैं एक डब्बे में रखती हूँ, पैकेट में भर के ही रखती हूँ। तो नमक हल्दी वगैरह सब वो मसाला में ही डाल दिया था। अभी जो है ये जो वेजिटेबल्स है ये फ्राई हो चुके हैं, तो फ्राई होने के बाद मैंने टमाटर डाली हूँ, टमाटर डालने के बाद मैं मसाला डालूंगी और फिर अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको ढक दूंगी ना। मसाला डालने के पहले मैं थोड़ा सा ढकी हूँ, क्योंकि टमाटर ऐड किया था तो उसको थोड़ा सा नरम होने के लिए रखी थी। तो देखो अभी जो है मुझे लग रहा है थोड़ा सा नरम हो चुके हैं, अभी मसाला डालूंगी, उसके बाद जो है बाद में मैं फिर से ढक दूंगी इसको, तो फिर सॉफ्ट होगा, एकदम धीमी आंच पे बनेगा ना, तो टेस्ट भी होगा और सॉफ्ट भी होगा। तो अभी जो है मैं इधर मसाला डाल रही हूँ, मसाला में जो जो मैंने रेडी किया था। तो मसाला डालने के बाद मैं फिर से ढक दिया था और अभी 10 मिनट बाद आ रही हूँ। देखो गैस का फ्लेम मैंने बहुत कम करके रखी हूँ और फिर इसको ढक के फिर से पकाऊंगी, और इस बार जब ये ऑयल छोड़ने लगेगी, सब वेजिटेबल्स जो है एकदम कुक हो जाएगी ना, तब मैं गरम मसाला डाल के इसको निकालूंगी। और गरम मसाला में हमारी जो गरम मसाला मैं हर एक खाने में यूज़ करती हूँ ना, वही गरम मसाला डाली हूँ। तो मटर, आलू सब कुछ, एकदम गोभी सब अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही थी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ था। मैं तो ऐसे टाइप का सब्जी कभी इसके पहले नहीं बनाई हूँ, क्योंकि हम लोग मिक्स वेजिटेबल्स बनाते हैं, पर जैसे कि हम जैसे बनाते हैं ना, 5 टाइप का वेजिटेबल्स डालते हैं, बंगाली लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाती थी, ऐसे प्याज वगैरह डाल के। और आज की सब्ज़ी में ना लहसुन नहीं यूज़ किया था मैंने। तो सब्जी बनाने के बाद अभी मैं मसूर का दाल बनाऊँगी पूरा बंगाली स्टाइल में, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ, उसमें 5 फोरन जो
यूज़ किया था ना वही दिखा रही थी। 5 फ़ोरन डाली हूँ, उसके बाद जो है मैं उसमें सूखी मिर्ची डाली हूँ और फिर उसमें प्याज डाली हूँ। कोई कोई लहसुन भी डालते हैं पर मुझे नहीं पसंद इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। कोई कोई मसूर की दाल में राधुनी बोलते हैं उसको छौंक लगाते, कोई कोई कालोंजी छौंक लगाते हैं, कोई 5 फ़ोरन, तो मैं बचपन से 5 फ़ोरन का छौंका लगा के ही मतलब खाते आ रही हूँ दाल। और मेरे ससुराल में जो है कालोंजी का छौंक लगाते हैं पर मैं भी कालोंजी का ही छौंक लगाती थी क्योंकि मेरे पास इसके पहले 5 फ़ोरन नहीं था, राधुनी था, कभी कभी राधुनी से भी बनाती थी पर 5 फ़ोरन वाला अच्छा लगते है ऐसा लगता है मुझे। पर मुझे ना दाल ऐसे भी पसंद नहीं है, मैं मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं देखो दाल बनाई पर मैं जब दोपहर के खाना खाऊंगी ना तब मैं सूखी सूखी खाती हूँ क्योंकि मुझे ना दाल बिल्कुल नहीं पसंद है, कितना भी अच्छा दाल बना के दो और उसके साथ अगर आपने कुछ भाजी बनाई ना तो मैं सूखी सूखी खा लूँगी पर मैं भाजी से ही खाऊँगी। तो मैंने थोड़ा सा मसाला भी डाली थी, वो ग्रीन चिली और थोड़ा सा अदरक और जीरा का जो पेस्ट बनाई थी ना वही थोड़ा सा डाल के उसको भूंज के फिर दाल डाल दिया। दाल ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वैसे ही दाल हो गया है, उसमें उबाल आने के बाद उसको निकाल लिया था मैंने, वो मसूर का दाल था तो बॉयल होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और अभी मैं बनाऊंगी, इस बार जब मैं गांव से आई थी ना तब मेरे सासूमा मुझे बना के दिया था वो है पोटैटो चिप्स जो कि घर पे बनाया हुआ था और ये मुझे बहुत पसंद है, मैं तो सूखा सूखा ही खा लेती हूँ, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप बोलोगे कि आपको लेस या प्रिंजेस पसंद है या ये वाला चिप्स तो मैं बोलूँगी मुझे ये वाला चिप्स पसंद है क्योंकि मुझे बचपन से खाती हूँ ना, मतलब मेरे गाँव में बनाते ही है, ये जो विंटर का टाइम जाते हैं ना उस टाइम पर सब लोग बना के रखते हैं जैसे बड़ी और ये सब कुछ बना के रखते हैं, तो इस बार थोड़ा सा ही मेरे मुझे भेज दिया था। अभी जो है 4 बजे पता है हमारा खाना में अभी खा रही है, ये खाना में अभी खा रही हूँ क्योंकि मम्मी पापा जब खाना बना रही थी ना तब भी वो खाना खा के चले गए थे, उसके बाद मैं तब कैसे खाना खाऊंगा, एक साथ खाना खाती हूँ और अकेले थी उतना तो अच्छा नहीं लगता, मुझे दाल ना बिल्कुल नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों किसी भी दाल बना लो कितनी है आप खाती हो, ऐसा नहीं कि खाती नहीं हो खाती हूँ पर मुझे ऐसे सूखा सूखा ही ज़्यादा पसंद है, जैसे सब्जी थोड़ा सा चिप्स या पापड़ हो जाए ना तो उसके साथ में खा लूँगी, दाल से अच्छा यही लगता है। तो इस वजह से जो है अभी 4 बजे ना मोबाइल देख रही थी, मोबाइल देख रही थी तो सो रहा है तो मुझे मैंने सोचा अभी थोड़ा सा खा लेती हूँ, तो मैंने राइस भी खाई, सब्जी भी खाई और ये जो चिप्स है ना ये भी खाई, उस बार भी बहुत ही इसको फैन नहीं बन गया तो चलो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों के साथ मिलूँ। के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके मैं ना डाइनिंग टेबल के ये कवर को थोड़ा उल्टा करके बिछाऊंगी, उल्टा मतलब मैं ये सामने सब सब्जी रखती थी ना तो वहाँ से ना थोड़ा सा एक ड्रॉप जो है थोड़ा सा डाल गिर गया था, हाँ तो एकदम थोड़ा सा आपको दिखेगा ही नहीं ऐसा एकदम थोड़ा सा पता है, पर फिर भी वाइट कलर में जैसे कि एकदम आँख पे ऐसे लगते, तो इसको कुछ दिन पहले मैं बिछाई थी तो अभी तो नहीं धोऊंगी, इसको मैं पलट के जहाँ पर थोड़ा सा डाल मतलब गिरा था ना उसको उस साइड कर दिया और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है पता है, तो इसीलिए ना मैं इसको अकेली नहीं बिछा पाती हूँ, इसको काट के अगर 2 कर लेती ना तब जाके ठीक होता, तो मैं इसको ना एक साइड से फोल्ड करके फिर मैं इसको बिछाती हूँ जिससे कि वो ज़्यादा बड़ा ना लगे और बड़ा भी ना दिखे, तो इसीलिए मैं ये क्लॉथ को मतलब डाइनिंग टेबल का ये जो क्लॉथ है ना इसको बिछाने के लिए मेरे को आधा घंटा टाइम लग जाता है और फिर ऊपर जो है ना ग्लास है ना इसकी वजह से वो इधर उधर खिसक जाते हैं ऐसे, एक बार अच्छे से लगाने के बाद भी नहीं होता है पता है, फिर भी एक साइड बड़ा एक साइड छोटा ऐसा लगता है। तो चलो फाइनली कट तो लिया, इसको लगा दिया, उसके बाद जो है आप लोग सोचोगे कि आप हमेशा ये चेयर के ऊपर ये 2 चीज़ें क्या रखते हो, तुम्हें हमेशा चेयर के ऊपर ये 2 चीज़ें मेरा हर एक घर में जितना दिन तक मैं बॉम्बे में उतना दिन तक मैं इस चेयर के ऊपर ही रखती हूँ, वो है गमछा जो कि हमेशा यूज़ होता है, हाथ पोछो या फिर बाहर से आओ फिर हाथ पैर धोने के बाद पोछने के लिए लगता ही है, तो मैं इसको रखूँ किधर, तो इसके लिए मैं चेयर के ऊपर ही अच्छे से रखती हूँ, पहले सुखाने के लिए ऐसे बिछा देती हूँ फिर सूख जाती है ना तो उसको रख देती हूँ। तो अभी जो है ना मेरे घर में आज कोई आने वाला था पर आया नहीं, मतलब वो आज आने वाला था नहीं तो कल, अभी उसने बताया नहीं कि कब आएगा ठीक है, तो मुझे जब प्रिकॉशन लेके रहना पड़ता है ना क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ही बच्चा है, मतलब उनका एक ही बच्चा है, उनके साथ और जो आएगा उनके पास भी बच्चा है, तो देखो बच्चा लोग जब घर पर आते हैं ना अच्छा तो बहुत लगते हैं पर वो लोग आके ही ना सबसे पहले हमारा जो गुप्त चीज़ रहते मतलब जो चीज़ हम दिखाना नहीं चाहते ही चीज़ उन लोग निकालते हैं, तो मेरे पास ये टीवी कैबिनेट के अंदर ना थोड़ा बहुत ज़्यादातर मुन का खिलौना ही रहते हैं, थोड़ा बहुत सामान जो ना इधर उधर बिखरा हुआ था तो वो सबको सेट कर रही हूँ कि बच्चा लोग आके खोल के निकालना नहीं, इसीलिए
गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड अभी जो है शाम के बज रहे हैं, कुछ 8 बज गया है। तो मैं अभी मून के लिए रोटी बना रही हूँ। तो दाल है, सब्जी है, इधर है और रोटी बना रही है। दोपहर के बाद से मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं मिल पाई थी, इसके लिए अभी मिल गई हूँ। और अभी जो है ना मुन के लिए रोटी बनाऊंगी और हाथ इधर थोड़ा सा जल गया, पता नहीं अचानक से ऐसे मन हो गया, ये मैंने वीडियो तो ऑन ही नहीं किया, तब जाके मैं जल्दी जल्दी करने गई और यहाँ पर थोड़ा सा जल गया। ऐसे तो रोटी देखो मेरा शेप नहीं अच्छा बनती है, पर रोटी फूलते है पता है। तो मोन को खिलाने के बाद हम लोग खाएंगे, क्योंकि राइस भी मैंने बना लिया पहले ही। और मैं दोपहर में थोड़ा सा ये कर रही थी ना, दोपहर में मतलब घर को थोड़ा सा साफ सफाई कर रही थी ना, तो कोई आने वाला था, तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो भी नहीं थी पता दिखा पाऊंगी, क्योंकि वो लोग शायद कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। देखो अभी रोटी फूलेगा, हाँ अगर जिस दिन रोटी फूलेगा वो तो उस दिन फूलते नहीं है, पर देखो फूल गया, फाइनली रोटी बनाना भी सीख गई मैं, सिर्फ शेप नहीं आती है। तो तीन रोटी बनाई, दो रोटी यहाँ पर है और एक रोटी वहाँ पर है, ये दो रोटी में एक और हाफ ही शायद। तो हमारा डिनर होने के बाद हम तीनों मिलके आए हैं बाहर थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए। तो चलो घर जाके आप लोगों के साथ बात करती हूँ और वीडियो को एंड कर देती हूँ। हे फ्रेंड, तो अभी जो है हम नीचे से आ गए, मतलब सोसाइटी के नीचे जाते हैं हम रात को वॉकिंग करने के लिए, मैं मून और उसके पापा ही जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, इसी वजह से हम तीनों ही जाते हैं। तो हम तीनों जाके वो डॉगी रहते हैं उनको बिस्किट खिला के फिर हम वॉकिंग करके, क्योंकि अगर बिस्किट नहीं खिलाएंगे तो मून नहीं आएगी, तो इसीलिए उन सबको बिस्किट खिलाती हूँ। कभी कभी खाते हैं, कभी कभी नहीं खाते हैं। खिलाने के बाद मून थोड़ा खेलते हैं वहाँ पर, खुद से खेलते हैं क्योंकि कोई नहीं रहता है ना, तो वो खुद से खेल के फिर हमारे साथ आ जाती है। आधा घंटे के लिए जाती हूँ, 10:30 बजे गई थी, अभी जो है अभी तक 11 भी नहीं बजा है, तो 10 बजे गई थी, अभी जो है हम 10:30 बजे आ चुके हैं घर पर। अभी जो है 10:40 या 45 ऐसा हुआ है। तो अभी मून और उसके पापा बेडरूम पे चले गए हैं सोने के लिए और मैं अभी इधर बैठी हूँ, मुझे वीडियो एडिटिंग करना है, फिर उसको सेव करना है, फिर अपलोड करके मैं अनलिस्टेड करके फिर जाती हूँ सोने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ था कि मैं ऐसे ही अपलोड करके मतलब सोने के लिए गई थी ना, तो फिर मैं 5 मिनट बाद आके देख रही हूँ कि मैंने उसको अनलिस्टेड करना ही भूल गई। मैं उसको पब्लिक करके तब 11:30 या 12 बजे के टाइम तब एडिट करके मैं सेव करके उसको अपलोड करके फिर कोई काम करने के लिए या फिर किचन में शायद गई थी पानी पीने के लिए, फिर मैं 5 मिनट के लिए आके देख रही हूँ कि मेरा जो वीडियो है ना वो पब्लिक हो गया, वो भी रात के 11:30-12 बजे। फिर मैं जल्दी जल्दी उसको अनलिस्टेड किया, पर फिर भी ना वो मतलब हट नहीं रहा था, वो ऐसे जब सुबह मैं फिर से इसको पब्लिक करने के लिए गई ना, तब दिखा रहा कि 10 घंटा पहले ही मैं उसको अपलोड कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ा कि उसको डिलीट करना पड़ा, डिलीट करके फिर से मुझे अपलोड करना पड़ा, अपलोड करके फिर जो है मुझे मतलब एकदम सब कुछ वो उस टाइम पे दिखा रहा है, मतलब मैं सुबह अपलोड किया था तो दिखा रहा है कि 1 मिनट 2 मिनट के टाइम पे अपलोड हुआ है ऐसा। तो मेरे साथ ये गलती कभी नहीं हुआ आज तक, उस दिन ही हुआ था, यही 2-3 दिन पहले का ही वो वाला ब्लॉग है, उस ब्लॉग के साथ ही ऐसा हुआ था। तो अभी जो है मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, मून को खिलाने के बाद हम लोग भी खा के बर्तन धो के नीचे गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए, अभी ऊपर आ चुकी हूँ, मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ, मून सोने के लिए चली गई। बस मुझे अभी इस वीडियो को एंड करना है और फिर मिलती हूँ मैं मेरा नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।